पांचवे अध्याय में श्री भगवान सांख्य योग की तुलना, कर्म फल त्याग, कर्म योगी के लक्षण, कर्म मार्ग तथा योग, त्याग मार्ग, योग तथा सांख्य का समन्वय, इन सब के बारे में बताते हैं। अध्याय अर्जुन केशव से कहता है, हे केशव, पहले तू त्याग की प्रेरणा देता है और फिर निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करता है। अब मुझे सही सही बता कि इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, पार्थ, कर्म का संन्यास और कर्म का निस्वार्थ भाव से करना, ये दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से कर्म को त्यागने से कर्म का निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल की इच्छा करता है और न ही कर्म के फल से घृणा करता है, यह समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि सभी द्वंद्वों या सभी दुविधाओं से मुक्त होने के कारण वह संसार बंधन से सरलता और आसानी से छूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अलग अलग अज्ञानी बताते हैं, पंडित नहीं। जो उनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह जुट जाता है वह दोनों मार्गों का फल पाता है। कर्म का त्याग करने वाले जिस पद तक पहुंचते हैं, जिस स्थिति तक पहुंचते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जो इस बात को समझ लेता है कि संन्यास और कर्म के मार्ग एक ही हैं, वही सही समझता है। लेकिन संन्यास को योग के बिना प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठापूर्वक लगा है वह शीघ्र ही ब्रह्म को पा लेता है। कर्म करता हुआ भी वही मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म में नहीं उलझता, जो कर्म के मार्ग में कुशल है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा यानी जो परमात्मा बन गई है, जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है और जो सत्य को जानता है, वे अपनी सभी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता हुआ, वह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, चखता हुआ, चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और सांस लेता हुआ सदा यही समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और मूंदते हुए, वह यही समझता है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में लगी हुई हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वास्तव में प्रकृति कर्म करती है, वही सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति लगाव और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है, पाप उसमें वैसे ही नहीं ठहरता जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता। योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि या फिर केवल इंद्रियां द्वारा कर्म करते हैं। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में आसक्ति अर्थात लगाव को त्याग कर सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करती है। लेकिन जिनकी आत्मा ब्रह्म से अलग है, जो ब्रह्म के साथ एक नहीं हुई है, वे इच्छा द्वारा प्रेरित रहते हैं, कर्म के फल में उनका आकर्षण और लगाव रहता है और इसलिए वे बंधन में बंधे रहते हैं। जिस व्यक्ति ने मन द्वारा सभी कर्म त्याग कर अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है, वह ना कोई कर्म करता हुआ और ना कोई कर्म करवाता हुआ इस नौ द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुख से निवास करता है। सर्वोच्च प्रभु आत्मा ना तो लोगों को कर्ता बनाती है, ना वे कर्म करती है और ना ही वह कर्मों को
उनके फलों के साथ जोड़ती ही है। यह तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही है जो इन सब में स्थित होकर इनसे यह सब कुछ करवा रहा है। लेकिन क्योंकि मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए प्राणी मोह में फंसे रहते हैं, जिसके कारण वे सत्य को देख नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान द्वारा अपने मोह और अपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया है, उनके लिए वह ज्ञान उनकी आत्मा को वैसे ही प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और तब वे सत्य को देख पाते हैं। उस ब्रह्म का विचार करते हुए अपनी पूरी अंतरात्मा को उसी की ओर प्रेरित करते हुए, उसे अपना संपूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उसे अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए, वे उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें फिर वापस नहीं लौटना होता, और ज्ञान द्वारा धुलकर उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। पंडित लोग ज्ञान और इस ज्ञान से उत्पन्न विनय के कारण संसार के समस्त प्राणियों को, उच्च और निम्न कुल वालों को, स्त्री पुरुष को, पशु पक्षी को, सभी को एक ही नजर से देखते हैं, सबको एक जैसा ही समझते हैं। जिस व्यक्ति का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है, उसने यही पृथ्वी पर ही अपने जीवन काल में ही संसार को जीत लिया है। परमात्मा तो दोष रहित है, दोषों से मुक्त है और सब में समान है, इसलिए ऐसा व्यक्ति परमात्मा में ही स्थित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु पाने पर वह आनंद ना मनाए, और बुरा होने पर या बुरी वस्तु पाने पर वह दुखी भी ना हो। जो मनुष्य इस प्रकार स्थिर बुद्धि वाला और मोह रहित हो जाता है, वही ब्रह्म को जानने वाला है, और आखिरकार वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वह ब्रह्म में बस जाता है। जब आत्मा बाहरी स्पर्शों, बाहरी विषयों या बाहरी वस्तुओं में आकृष्ट हुए बिना, उनमें उलझे बिना सभी सुख भोग करती है, तभी वह मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, वह ऐसे सुख का आनंद लेता है जो अनंत और अक्षय है, जो हमेशा रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जिसका कभी पतन नहीं होता। भौतिक पदार्थों के भोगने से, उनके संपर्क और स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख तो दुखों के घर हैं, वे स्थायी होते हैं, वे आते जाते हैं, उनका आरंभ होता है और अंत भी होता है। ऐसे अस्थाई सुखों में ज्ञानी को कभी आनंद नहीं मिलता, उसे तो सदा रहने वाले अक्षय सुख ही आनंद देते हैं। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाले इच्छा और क्रोध के उबाल को वश में करने में सफल है, वही योगी है, वही सुखी है। जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख पा लेता है, जो अपने अंदर ही आनंद पा लेता है, और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है और वह मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेता है। वे पवित्र मनुष्य जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे संदेह भी दूर हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं और जो सभी प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वे मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने आप को इच्छा और क्रोध से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, और जिन्होंने आत्मा यानी मुझ परमात्मा को जान लिया है, मोक्ष और परम गति हमेशा उनके निकट ही स्थित रहती है। जो मुनि सभी बाहरी विषयों को बाहर ही रोककर, दृष्टि को भावों के बीच में अच्छी तरह स्थिर करके, दोनों अंदर और बाहर जाने वाले श्वासों को समान करके, अपनी इंद्रियां, अपना मन और अपनी बुद्धि को वश में कर लेता है, ऐसा मुनि
मोक्ष पाने के लिए हमेशा तत्पर है और जिस मुनि ने इच्छा, भय और क्रोध को वश में कर लिया है वह मुनि सदा मुक्त ही रहता है। वह मुनि मुझे ही परमात्मा मानकर और यह जानकर कि मैं परमात्मा ही सभी यज्ञों और तपों का आनंद लेने वाला हूँ और मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ और सभी प्राणियों का मित्र हूँ, यह सब जानकर वह शांति को प्राप्त करता है। पांचवा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।